आइए नाजरीन डालते हैं आज की खबरों पर एक नज़र। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू तनाज़े की जांच के लिए SIT की तश्कील की हिदायत दी है। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमला तिरुपति के लड्डू में तैयार होने वाले इस्तेमाल के घी में जानवरों की चर्बी के मुबैना मिलावट की जांच के लिए जुमा को एक आज़ाद खसूसी तहकीकात टीम SIT तश्कील दी है। भारत में मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, USCCIRF की रिपोर्ट। अमरीकी वफाकी हुकूमत के कमिश्नर ने भारत में मजहबी आज़ादी के बिगाड़ को नुमाया किया और भारत को ख़ास तश्वीश का मुल्क करार देने पर जोर दिया। श्रीलंका के सदर का अपने पहले गैर मुल्की दौरे में दिल्ली आने का इम्कान। हिंदुस्तान हाई कमिश्नर ने एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान के पड़ोस पहले पालसी और सागर के नुक्ते नज़र को मद्देनज़र रखते हुए मिस्टर जयशंकर का दौरा बाहमी फ़ायदे के लिए अपनी तवील मुद्दती शराकत दारी को बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरक आज़म की निशानदेही करता है। वक्त भारत न सिर्फ हिंदुस्तानियों बल्कि पूरी दुनिया में खुशहाली लाएगा, सीतारामन। मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने जुमा को कहा कि आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने पर 2047 तक हिंदुस्तान के पास नए हिंदुस्तानी दौर में तरक्की याफ्ता ममालिक जैसी तमाम अहम खसूसियात होंगी और विकसित भारत ख्यालात, टेक्नोलॉजी, सकाफत के मुतहर्रिक तबादले का मरकज बनकर न सिर्फ हिंदुस्तानियों बल्कि बाकी दुनिया के तमाम के लिए खुशहाली लाएगा। मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर। खुतबा जुमा से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनाई का खिताब। आयतुल्ला खामेनाई ने सूरतुल असर की तिलावत करते हुए सबर, इस्तेकामत, हक पर साबित कदम रहने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने जिहाद और इस्लामी निज़ाम की इफादियत को बयान करते हुए कहा कि इस्लामी इत्तेहाद ही मुसलमानों के मसाइल का वाहिद हल है। बॉलीवुड स्टार गोविंदा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। गोविंदा ने कहा कि मैं आप सब की मेहरबानियों और आशीर्वाद की वजह से बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। दुआओं के लिए सबका शुक्रिया, ख़ास तौर पर अपने मद्दाहों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए इतनी दुआएं। तमिलनाडु में तालीमी इदारों को मुसलसल दूसरे दिन बम से उड़ाने की धमकी से अफरा तफरी। साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस से ईमेल भेजने वाले की शनाख्त और इंटरनेट पर टोकॉल और एड्रेस का पता लगाने के लिए तफसीली तहकीकात कर रही हैं, जहां से ये मेल तालीमी इदारों को भेजी गई। मुसलमानों में ज़ात पात की तकसीम कायम करने की सरकारी कोशिश इस मुल्क में अरसे से एक नापाक कोशिश हो रही है और वो ये है कि मुसलमानों को भी बिरादरान वतन की तरह ज़ात पात के खाने में तकसीम कर दिया जाए। मौजूदा हुकूमत का बुनियादी तरीका आवाम को तकसीम करके वोट हासिल करने का। कांगोंग की झील में भयानक हादसा। कश्ती उलटने से 78 यानी 78 अफराद की मौत। खौफनाक वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो फोटेज में एक भारी मिल्टी डेक जहाज को पानी में उलटते हुए और मुसाफिरों को झील में गिरते हुए देखा गया। ये वाजे नहीं है कि कितने लोग अभी भी लापता हैं। आमिर खान ने कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अमिताभ बच्चन को उनकी शादी का कार्ड दिखाया। आमिर खान और उनके बेटे जुनैद खान अमिताभ बच्चन की सालगिरह को यादगार बनाने के लिए इन्हें सरप्राइज देंगे। वो दोनों कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 में नज़र आएंगे। अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को अपनी 22वीं सालगिरह मनाएंगे। KTR ने कहा कि कांग्रेस ने न सिर्फ किसानों का मुकम्मल कर्ज माफ़ करने में नाकाम रही है बल्कि इस हुकूमत ने रईतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को माली इमदाद भी फराहम नहीं की है। हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश, मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान। माहिरीन मौसमियात ने पेश कयास की है कि जनूबी हैदराबाद में आइंदा 2 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है, जो शहर के बासियों के लिए मजीद राहत का बाइस बन सकती है। हिंदुस्तान वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे। नई दिल्ली हिंदुस्तान वजीर खारजा जयशंकर का पाकिस्तान का दौरा तय है, जहां वो 10 अक्टूबर में
शंघाई ताउन तंजीम CSCO के इजलास में शिरकत करेंगे। कुंडा सुरेखा माफी के काबिल नहीं खेल अकीनीमी। उन्होंने कहा कि काबिल एहतराम शहरी और बावकार खानदान के अफराद में हैं, मगर उनके अफराद के जज्बात को ठेस पहुंची है और वो बेइज्जती महसूस कर रही हैं एक सियासी लड़ाई में जिसे वो खुद गर्जी से जीतने की कोशिश कर रही है। पैगम्बर इस्लाम की शान में नन सिंगा नन की गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त। मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी, मौलाना ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे बदजबान शख्स पर केस चलाया जाए और उसको उसकी सही जगह यानी जेल पहुँचाया जाए, क्योंकि करोड़ों मुसलमान की दिल आज़ारी है और उसके रद्द अमल में नौजवान भड़क गए तो इससे पूरे मुल्क का अमन व अमान खाकिस्तर हो सकता है।